विद्यार्थी सम्मेलन में चयनित विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, प्रदेश के स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी और विद्यार्थी शामिल हुए। योजना में लगभग 32,000 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। समारोह में विभिन्न जिलों के 15,000 विद्यार्थी शामिल हुए। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की फीस खुद भरेगी। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में 2016 या उसके बाद आयोजित 12वीं की माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक या CBSE ICSE की परीक्षा में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नव निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वो आगे बढ़े राज्य सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना लागू करने के लिए राज्य सरकार की तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि देश के 65% आबादी युवाओं की है और केंद्र सरकार युवाओं को ध्यान में रखकर लगातार योजनाओं का निर्माण कर रही है। इंदौर में आप एजुकेशन हासिल कर रही हैं, मानसी जी, अब तुम्हारे लिए प्रधानमंत्री जी की स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना और मध्य प्रदेश में योजना बनाई है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। और उस योजना में तय किया है कि अगर छोटा मोटा उद्योग डालना है, इंडस्ट्री डालना है, तो 10 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए तक का लोन तुम्हें बैंक देगा। लेकिन बैंक कहते हैं गारंटी कौन लेगा, लोन को वापस करने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हाँ तुम्हारा मामा लेगा, चिंता मत करो, तुम आगे बढ़ते जाओ। युवा उद्यमी योजना, युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री जी की स्टैंड अप स्टार्टअप जैसी योजनाएं, उनका लाभ उठाओ मेरे बेटा बेटियों, और खुद भी बन जाओ और मध्य प्रदेश भी बनाओ, देश भी बनाओ। प्रधानमंत्री जी भारत को दुनिया का विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और हम मध्य प्रदेश को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं। मदद होती है, ईश्वर हर व्यक्ति में क्षमता देता है, मगर क्षमता को जब मंच नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो क्षमता परिणाम लक्ष्य नहीं बन सकती। व्यक्ति के लिए भी परिणाम लक्ष्य नहीं बनती है, राज्य और देश के लिए भी परिणाम लक्ष्य नहीं बनती। और जब मेगावान छात्रों के पास से मौके छीन जाते हैं तो एक बड़ी कुंठा की निर्मिति, सामाजिक कुंठा की निर्मिति, व्यक्ति तो छोड़िए, समाज के अंदर भी एक अन्याय का भाव खड़ा होता है। शिवराज जी ने उसको पहचान कर जिन सब की आय 6 लाख से कम हो वो सभी प्रतिभाशाली बच्चों को जहां तक पढ़ना है वहां तक पढ़ने की ये व्यवस्था की है। इसके लिए मैं शिवराज जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं।